अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फौजिया हशमत, आप देख रहे हैं किचन विद फौजिया हशमत। आज हम बना रहे हैं चिकन चाइनीज नूडल्स। ये बच्चों के, बड़ों के, सबके फेवरेट होते हैं और इसको आज हम बनाएंगे झटपट। अब हम करेंगे नूडल्स को बॉईल। ये पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के नमक का और 2 चम्मच ऑयल के। कभी भी आपने नमक और ऑयल के बगैर नूडल्स को बॉयल नहीं करना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। पानी आपने इतना डालना है कि नूडल्स अच्छी तरह अंदर डिप हो जाए। नूडल्स बॉयल हो गए, इन्हें मैंने चेक कर लिया। अब इनका मैं पानी ड्रेन कर दूंगी और इनको थोड़ी देर के लिए टैप वाटर के नीचे रखूंगी। पैन में डालेंगे 1/2 कप ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये लहसुन। लहसुन के 6-7 जवों को मैंने बारीक चॉप किया है। लहसुन को सौते करने के बाद इसमें 1 प्याज चॉप हुई डाल देंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ चिकन। ये 1/2 kg के करीब चिकन है। मैं इस 1 पैकेट नूडल्स का बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं चिकन और वेजिटेबल्स, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे चिकन का कलर चेंज होगा तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच नमक का, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का। सबको अच्छी तरह मिक्स करके मैं 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को कवर कर रही हूँ, इसलिए कि चिकन की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका जो पानी है इसके अंदर वो भी ड्राई हो जाए। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया था। अब इसको अच्छी तरह अभी फ्राई कर लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन को मैंने ऑयल के अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक चॉप की हुई गाजर। जैसे गाजर को आपने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है चिकन और इस सारी चीज़ों के अंदर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये है वाइट सिरका 2 चम्मच। अब इसमें जाएंगे 3 चम्मच सोया सॉस के और 3 चम्मच चिल्ली सॉस और 2 चम्मच चिल्ली गार्लिक सॉस। अब इसे हमें इतना पकाना है कि इसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना है, उसके बाद हम इसमें बाकी की जो सब्जियां हैं वो ऐड करेंगे। सॉसेज डालने के बाद गाजर को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पका लिया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च। ये 2 शिमला मिर्च हैं कटी हुई। शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको डालने के बाद साथ ही मैं इसमें डालूँगी अब ये बारीक कटी हुई बंद गोभी। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च और बंद गोभी डालने के बाद आपको इससे ज़्यादा नहीं पकाना। इसके कलर हमें इस तरह फ्रेश ही रखने हैं, सब्जियों को हमने थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये नूडल्स बॉईल किए हुए। ये डालने के बाद अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नूडल्स हमारे रेडी हैं, अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाले नूडल्स तैयार हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।